योजना के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर सरकार गंभीर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अहम मीटिंग बुलाई और सेना के अधिकारियों के साथ अब चर्चा करेंगे। अग्निपथ योजना पर मंथन किया जाएगा। लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि जो पहले दिन विरोध किया गया उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। जो प्रावधान थे उसमें बदलाव किया गया था, संशोधन किया गया था इस स्कीम को लेकर, उम्र सीमा को लेकर खासतौर पर। उसके बावजूद भी जो विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बैठक बुलाई है, सेना के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। कुछ खास बिंदु होंगे, पॉइंट्स होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी। जहां कहीं बदलाव की जरूरत होगी संघर्ष को देखते हुए, तो संभावना है कि कुछ नई खबरें निकल कर सामने आ सकती हैं। तो मनोहर बिश्नोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, क्या जानकारी रक्षा मंत्री ने मीटिंग बुलाई है? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अग्निपथ योजना लॉन्च की गई थी, उस योजना के तहत जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है और देश भर में करीब 15 राज्यों में जो विरोध देखने को मिल रहा है, युवा जो है सड़कों पर उतरे हैं, आगजनी हो रही है, रेल जलाए जा रहे हैं और कई रास्ते रोक दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जो विरोध हो रहा है, उसको देखते हुए राजनाथ सिंह ने आज सेना के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई और बैठक में हो सकता है इसमें कुछ संशोधन करने की कोई बात आए। और जो भर्ती प्रक्रिया का जिस तरीके से उल्लेख किया गया और योजना अग्निपथ उसको लेकर के आज बड़ा अपडेट मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से विरोध देखते हुए सरकार ने भी एक संशोधन किया था एक दिन पहले की 21 साल की उम्र को 23 साल किया बताया गया था, लेकिन उसके बावजूद तो ये विरोध थमा नहीं है और तमाम जो लोग है वो विरोध कर रहे हैं और युवा सड़कों पर है। तो इसको देखते हुए क्या लगता है मनोहर, के सेना के अधिकारियों के साथ मनोज पांडे भी इसमें शामिल हो सकते हैं? क्योंकि बीते दिन उनकी तरफ से भी बयान दिया गया था कि इस स्कीम को लेकर ये के युवाओं के हित में है। क्या लगता है वो भी मीटिंग में शामिल हो सकते हैं? देखिए, फिलहाल जानकारी ये मिल रही है सेना के अधिकारियों के साथ बैठक, तीनों सेनाओं के अधिकारी है वो शामिल होंगे इसमें और बैठ के इस चर्चा करेंगे कि इस स्कीम को लेकर के अब आगे क्या करना, क्या किया जाना चाहिए और जो विरोध है उसको देखते हुए क्या इसमें अलग से कर सकते हैं। तमाम चीजों को लेकर हर पहलू पर चर्चा हो जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। तो सेना में भर्ती की केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ को लेकर जो बवाल शुरू हुआ है, फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा।